अदर नागिन से पहले भी आपने काफ़ी शोज़ किए हैं, ये शो कितना स्पेशल होगा आपके करियर के हिसाब से? डेफिनेटली स्पेशल है क्योंकि मैंने नागिन कभी प्ले नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है शीशा का कैरेक्टर, सो प्लीज़ मैं भी यही कहूँगी कि आप ज़रूर देखना फर्स्ट नवंबर को हमारा ये शो। पर आप इस शो के पार्ट बने, क्या खास कारण था कि आपने ये कैरेक्टर सेलेक्ट किया और इस शो के पार्ट बने? देखिए, ये एकता कपूर का शो है, बालाजी का शो है, और मेरे लिए ये एकता जी और कलर्स के साथ बैक टू बैक शोज़ हो गए, मेरी आशिकी और फिर अब नागिन। और जब भी एकता कोई शो बनाती है तो वो बहुत ही यूनिक होता है उसका कॉन्सेप्ट, और वो उनके शोज़ बहुत अलग दिखते भी हैं। एंड दिस शो इज़ वो पहली बार वीकेंड शो बना रहे हैं, तो इट इज़ दिस प्रोजेक्ट इट्सेल्फ इज़ वेरी स्पेशल टू देम। तो जब मुझे ये ऑफर हुआ तो आई डोंट थिंक आई कुड हैव सेड अ नो टू दिस रोल, बिकॉज एक फैमिली बन चुकी है कलर्स और बालाजी, और मेरे लिए क्या अच्छा मौका हुआ कि एक अलग किरदार प्ले करने को मिलता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ पहले किया नहीं है। सो फॉर मी ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। ऑफकोर्स रोमांस तो है ही जो करूँगा, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा। इंटेंस किरदार होगा इसमें मुझे लगता है जहाँ तक, तो क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में, किस तरह का किरदार के बारे में? यही कि बहुत डायमेंशंस है शिवन्या के कैरेक्टर में। शी इज़ अ वेरी सिंपल नाइव गर्ल, थोड़ी क्यूरियस है और गूफी है थोड़ी सी, तो बहुत सारे मिस्टेक्स कर देती है करते करते, बट एट द सेम टाइम शी इज़ अ वेरी वेरी लवेबल कैरेक्टर। सो एंड आई थिंक इन माई करियर, अगर आप चाहे आप ओबीसी कृष्णा तुलसी और सती और मीरा एंड नाउ दिस, आई लाइक डू इंटरेस्टिंग रोल्स एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, सो आई डोंट लाइक थिंग्स विच आर वेरी लीनियर एंड विच हैज ओनली वन डायमेंशन टू इट। एंड इट इज़ मोस्ट डेफिनेटली लाइक कमिंग होम टू, बिकॉज आई स्टार्ट माई करियर विथ बालाजी, एंड ऑफकोर्स एकता मैम लाइक ही सेड इज़ लाइक अ मेंटोर, शी विल ऑलवेज बी एंड आई विल ऑलवेज अगेन बी ग्रेटफुल टू हर फॉर गिविंग मी नागिन एज़ वेल। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में इस तरह जो सब्जेक्ट है वो रिलेवेंट है, क्योंकि पौराणिक चीज़ें हैं? यू नो, आप एक जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको या रेलेवेंस हर चीज़ का एक देखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक एट द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑल्सो, यू हैव टू लुक एट वॉट इज़ बिंग ऑफर्ड। इफ़ यू सी द वेस्ट, वैम्पायर डायरीज हो चाहे ट्वाइलाइट हो चाहे विचेस ऑफ द ईस्ट एंड हो, ये सारे शो वर्क करते हैं क्योंकि ये आपको एक रियल बोरिंग लाइफ से दे टेक यू टू समवेयर एल्स। इट्स द सेम वे, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम बालाजी जो आपको एक कम्प्लीटली फैंटेसी फिक्शन जोन में लेके जा रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स एट द वीकेंड स्लॉट जब सब अपने घर में चिल करते हैं एंड द होल फैमिली कैन सिट डाउन एंड वॉच। और आपको एक चीज़ हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि हर एपिसोड में आपको ये सोचने को मिलेगा कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड, और आपको उस नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। सो जिस शो में क्यूरियोसिटी है, जिस शो में ड्रामा है, जिस शो में रिवेंज है, जिस शो में रोमांस है, सस्पेंस है, एंड वी आर ऑल्सो देयर वर्किंग रियली 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 हार्ड वो शो, और सबसे ज्यादा शो में एक्सपेंस है।